सिंधिया समर्थक और एमपी के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का नाम आपने पिछले दिनों जमकर सुना होगा। दरअसल करीब एक महीने पहले धार के निजी होटल में एक युवती ने दत्तीगांव को अपशब्द कहते हुए जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद मंत्री जी की काफी किरकिरी हुई थी। ताजा मामला उसी होटल के मालिक नितिन नांदेचा से जुड़ा है, जिनका कहना है कि मंत्री दत्तीगांव से उनका व्यापारिक संबंधों की वजह से लेन देन होता रहा है और इसी के चलते उनके परिवार ने मंत्री के बैंक खातों में करीब 70 लाख रुपए का लेन देन किया है। लेकिन पैसा मांगने पर दत्तीगांव अब नांदेचा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जो हमने कमिटमेंट करा है, जिस कमिटमेंट को हमने वैसे व्यापार की बात करी थी, वो मैं वहाँ कसम खा के दूंगा, तुमने एक कमिटमेंट पूरा नहीं करा। और जहाँ सॉल्व पेमेंट का मैंने आपको बताया कि आज का विषय ही है जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सब जितने भी आरोप लगे हैं सब, ये 14 तारीख की जो घटना हुई, जब हमने मेरे ऊपर एक केस लगाया एट्रोसिटी एक्ट का, जिसमें मैं इस पैसे के लिए कभी भी मैं उनसे विवाद नहीं करता, मैं छोड़ मैं बोल रहा था पैसे को, जब ये गलत सरकारी तंत्र का जब ये उपयोग कर रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब मेरे पास जो फीडबैक आ रहा था वो एक आतंकवादी बना के छोड़ रहे थे मेरे को, मतलब दुख हो रहा है मेरे को कि यार मैंने किसका दिया काम करा, किसका साथ दिया था मैंने, मैंने उनके लिए ठीक व्यापारी आदमी हूँ, ठीक है व्यापार करा होगा कहीं पर मैंने, ये जमीनों का काम है, होटल है मेरा, लोग लेते हैं देते हैं, चलता है व्यापार है वो, तो अब व्यापार की परिभाषा जो आता है वो काम करता हूँ मैं, पर ये घर पर घूमते भेजने का काम कहाँ कौन करता है। माननीय मोदी जवाब दे, उस लड़की ने जो जितने डेडिकेशन लगाए थे उनके ऊपर, वो सच्चे थे इतने, उस लड़की के ऊपर जाके वो एक FIR अटैच कराते हो कि अरे लड़की ये होटल में से बदनामी कर रही है, लेके होटल संचालक तो मैं था, मैंने उनको फीडबैक दिया कि सब लाखों फोटो जिताए उनके बारे में, आप ऐसा मत बोलो, उनको आज उस लड़की के बारे में एक कंप्लेन तो देना थी ना। मंत्री की दबंगई के खिलाफ होटल मालिक ने धार SP को आवेदन भी सौंपा है। आज माननीय SP कार्यालय आया था, यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री राजवर्धन सिंह जी के जांच की मांग की गई आवेदन मेरे द्वारा, और ये बताया गया है कि कुछ बिंदु ने उन पे विचित दिया है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने रिचरिंग भी ले ली है, और आग्रह कर रहा हूँ कि इन पर जाँच की जाए, और वो जांच की मांग रखी मैंने बदनाम और सरदार को खुला देते हुए अन्य थानों पर दी जाए, जिससे निष्पक्ष जाँच हो सके, परिवार की असुरक्षा है, कुछ प्रॉपर्टी पे विवाद हैं, कुछ गाड़ी खुले हैं जो उन्होंने कब्जे में ले रखे हैं, और कुछ अकाउंट उन्होंने खुलवाया है मेरे नाम से गलत तरीके से, GST अकाउंट भी ओपन करा रखा है, ये सब चीज़ें मैंने इसको लिखी है, उन्हीं मांग को लेकर मैंने ज्ञापन दिया है, तो आपको प्रेषित कर रहा हूँ। उधर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इन आरोपों को नकारते हुए अपनी सफाई पेश की है। दत्तीगांव का कहना है ये सभी आरोप झूठे हैं। आरोप लगाए प्रमाणित करें, मैंने कब किस समय किस क्षण किसके समक्ष कहाँ कौन सा वाहन हड़पा वो जानकारी दे दें। एक उन्होंने फोर्ड एंडेवर की बात कही है, उन्होंने डिपार्टमेंट में किराए पे लगा रखी है, उसका किराया उनको हर महीने मिलता है। बाकी जो भी वाहन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपया उनके खाते में किराए के रूप में उसका आया है, कोई कहीं कुछ हड़पा चला जाता है उसका मानदेय राशि खातों में नहीं जाती है। दूसरा, अगर उन्होंने मुझ पर कहा है कि मैंने कहीं धमकी दी कुछ बोला, वो प्रमाणित कर दें। ये वही व्यक्ति हैं जो कुछ दिनों पहले बढ़ चढ़ के मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे कि माननीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं, लाखों वोटों से लोगों ने जिताया है, वही व्यक्ति। मैं उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा उनके पूरे परिवार को मैं जानता हूँ। पूरे बदनावर में वे कई सालों से ये कहते फिरते थे कि प्राचीसी होटल विधायक जी का ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, हज़ारों लोग बोल देंगे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।